बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर बच्चा माँ का दूध ना पीता हो तो ये वजीफा पढ़कर बच्चे पर दम करें। जो माँ इस बात को लेकर परेशान है कि बच्चा माँ का दूध नहीं पीता, हर तरह से माँ ने कोशिश करके देख ली है, लेकिन बच्चा अगर दूध पी भी ले तो उसे बाहर निकाल देता है। ऐसी सूरत हाल में बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बच्चा वक्त से पहले पैदा हो जाए तो उसे दूध पीना नहीं आता। बाज़ औक़ात कोई मेडिकली वजह भी होती है, और ज़्यादातर ये वजह भी देखी गई है कि अगर दुराने हमल माँ नजरेबद या हसद का शिकार हो जाए तो बच्चे पर उसका असर फौरन आता है। बहुत सारी खवातीन ये बात जानने के बावजूद लापरवाही इख्तियार कर जाती हैं, जबकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नजरेबद आदमी को कब्र में और ऊँट को हंडिया तक पहुँचा देती है। इसलिए नजरेबद का हर सूरत खात्मा ज़रूरी होता है। लिहाजा आपसे इस मसले के हल के लिए वजीफा भी शेयर कर रहे हैं और बाकायदा रूहानी इलाज भी। ये 3 दिन का वजीफा है। अगर बच्चा नजरेबद का शिकार ना हुआ तो 3 दिन ये वजीफा करने से ही वो दूध पीने लग जाएगा इंशाल्लाह। और अगर मसला नजरेबद का हुआ तो ऐसी सूरत में माँ को चाहिए कि 3 दिन के बाद नजरेबद के तोड़ और हिफाजत का नक्श बच्चे के नाम से मंसूब करवा के उसे जरूर पहनाए। वजीफा ये है, अस्तग़फिरुल्लाहि अल्लाहुस्समद। इस वजीफे को आपने 316 बार रोजाना पढ़कर बच्चे पर 3 दिन लगातार दम करना है, और अगर जरूरत हुई तो 3 दिन के बाद आप हमारे रूहानी माहिरीन से नजरेबद के तोड़ के लिए सूरह कलम का नक्श और रूहानी हिफाजत के लिए सूरह बकरा का नक्श अपने बच्चे के नाम से मनसूब करवा के उसे पहनाएं। नक्श में खास तरीके से आदात की सूरत में लिखी गई आयात मुबारका, जिनका बाकायदा रूहानी फैज जारी किया गया है, इनकी रूहानी तासीर की बदौलत इंशाल्लाह बच्चा दूध भी पिएगा, नजरेबद भी खत्म होगी और बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और बच्चा हर लिहाज से सेहतमंद हो जाएगा इंशाल्लाह। ये दोनों नकोश उन अफराद को फी सबीलिल्लाह अरसाल किए जाते हैं जो इंतहाई ज़रूरतमंद और मजबूर हैं और हदिया अदा करने की इस्तेआत नहीं रखते, लेकिन जो अफराद साहब इस्तेआत हैं उन्हें चाहिए कि ये नकोश 1400-1400 रुपए हदिया अदा करके हासिल करें। तावीज़ात मंगवाने के लिए हमसे इन नंबर्स पर रब्ता करें, खवातीन 0306-415-1113 पर और मर्द हजरात 0301-01478-69 पर रब्ता करें। शुक्रिया।